सो गाइस, घर में रह के अकेले बोर होने से अच्छा है को आपकी अगर हॉबी है तो उस हॉबी को आप इस 21 डेज में आगे एक्सप्लोर करो। मेरे पास सिर्फ दो हॉबी थी, एक है घूमना और दूसरा खाना बनाना। तो घूमने वाले ब्लॉग मैं आपके लिए बताते रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग अभी पड़े हुए हैं जो मुझे एडिट करके डालने हैं, वो आप देखना। ये मैं सोचता कि मैं इन 21 डेज में कहीं घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग का कमेंट पिछले जिम कवर वाली वीडियो में ऐसा आया था कि आप लॉकडाउन पीरियड में भी घूम रहे हो, गवर्नमेंट की अवहेलना करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं वो ब्लॉग मेरे जो थे वो पुराने थे, एक महीने में बहुत ज़्यादा बिजी था तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिला उन्हें एडिट करके डालने का। अभी मेरे पास और ब्लॉग पड़े हुए, मैं डालते रहूंगा धीरे धीरे। लेकिन आज मैं अपना फिर से एक और जो मेरा टैलेंट है ये खाना बनाने वाला, तो मैं उसके लिए आपको आज एक नया फिर से कुमाऊनी फूड है जिसे बोलते हैं ठटवाणी बोलते हैं, कुमाऊनी ठटवाणी। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं उसका पूरा प्रोसेस और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रखते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। चलिए बनाते हैं कुमाऊं की फेमस ठटवाणी। सो गाइस, मैंने पहले से ही रात में भिगा के रखी थी राजमा और ये चने, ये पूरे भीग चुके हैं, करीब 12 घंटे ये भीगे। और ये मेरे पास है कुछ घैत की दाल आपके उत्तराखंड में बहुत फेमस होती है, और जिन लोग को पथरी की शिकायत होती है वो उसका पानी, इसे उबाल के सब पानी पी के पथरी भी अपनी दूर कर सकते हैं। और यह है काले रंग के एक भट्ट की दाल होती है, इससे भी बहुत टाइप के आइटम बनते हैं कुमाऊनी फूड में। तो ये तीन के तीन मैंने लिए हैं, आप कुछ खड़ी दाल और ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये तीन अवेलेबल हैं तो मैं इन तीन का यूज करके आज बनाऊँगा ठटवाणी। ये खड़ी दाल बनती है पूरी, तो ट्राई करते हैं, तो उसको बनाते हैं। इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। कुछ अगर दाल आपके एक्स्ट्रा होंगी जो खड़ी होंगी, मतलब जैसे मसूर अरहर वगैरह नहीं डालनी है इसमें, आप इसमें उड़द की दाल डाल सकते हैं साबुत वाली। इसके बाद और कुछ अगर आपके कोई खड़ी दाल है जैसे लोबिया है, ये भी आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन जो इसका मेन होता है वो होता है आपका चना और राजमा और प्लस ये गैंत और ये भट्ट, ये तीन तो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आपका ठटवाणी सही ढंग से बनेगी, तभी उसमें स्वाद भी आएगा एक अलग टाइप का। सो गाइस, मैंने सारी दाल को सही ढंग से धो के कुकर के अंदर डाल दिया है। अभी मैं इसमें एक चम्मच डालूंगा नमक, और उसके बाद इसको हमने उबालना है। करीब इसमें हमने 5 या 6 सीटी कुकर की लगानी है, क्योंकि हमारी राजमा और चने भीग चुके हैं सही ढंग से। अगर आपने थोड़ा देर की भी है राजमा और चने भिगाने में तो आपको सीटी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, और आप पानी जो डालोगे वो अपनी आवश्यकता अनुसार डालना। मैं हम लोग दो दो लोग हैं खाने वाले, इसको तो मैंने 2 लोग के हिसाब से डाल रखे, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी दाल की बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको पहले उबालते हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको फिर बताता हूँ। जब तक आपकी दाल उबलती है तब तक आप ये भी कर सकते हैं, प्याज काट सकते हैं। मैंने एक प्याज काटा हुआ है और 4 फली मैंने लहसुन की काटी हुई है और 2 मैंने हरी मिर्च काटी हुई है। जब तक आपकी दाल पकती है, उबलती है मतलब कुकर में, तब तक आप ये तीनों चीज़ें काट के अपने पास रख लें। देखिए दाल पूरी पक गई है, इसे ट्राई करने के लिए मुझे इसे निकालना पड़ेगा। एक राजमा या चने का दाना निकाल के मैश करते हैं, पहले पकने का पता चल जाएगा उससे। मैंने मैश किया इसको, देखिए मैश करने के बाद सारे दाने गल चुके हैं, घैत के भी भट के भी और राजमा की भी और चने की भी। तो पहले इसको हम लोग मैश करेंगे हल्का हल्का। इसमें मैंने दाल को पूरा मैश कर लिया है, और कुछ दाने मैंने एक छोटे कटोरे में निकाल दिए हैं, वो हम बाद में जब दाल को एक बार छौंका लगा लेंगे प्याज और लहसुन का, उसके बाद इसको हम छौंका मारने के, उसके बाद हम इसको उसमें मिलाएंगे वापस। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि हम लोग को अभी जो तड़का मारना है तो उसको हमको लोहे की कढ़ाई में मारना है। ये दाल हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनेगी, इसलिए आपको लोहे की कढ़ाई का यूज करना है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगा मैं सरसों का, क्योंकि मैं सरसों का तेल ज़्यादा यूज करता हूँ खाने में। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है थोड़ा, अभी इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर जीरा डाल के हम लोग जीरा डाल के ट्राई करेंगे कितना गर्म हुआ है। जीरे का तड़का मारने के बाद लहसुन डाला, अब मैंने प्याज को फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, प्याज को सही ढंग से पकाना पड़ेगा, वरना फिर ये दाल में ना हल्का कच्चा लगता है।
इस पे मिला दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ 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 टर्मरिक पाउडर डाल रखा है और हाफ डाल रखा है आपके मिर्च पाउडर। तो ये तीनों मिला के कुछ देर में मसाले को पकने देंगे। तो देखिए अभी हमारी दाल रेडी हो गई है। मैंने इसमें उबालते वक्त नमक मिलाया था, तो अभी नमक टेस्ट करके इसमें मैं नमक मिला दिया है और 1 स्पून और नमक मिलाया मैंने इसमें। और जिस हिसाब से पानी डालना है उस हिसाब से पानी डाल के इसे आप उबालिए। अभी इसमें हमको तड़का लगाना है, उसके बाद घी का जो लास्ट है उसमें हमको तड़का लगाना है घी का। तो मैं तड़के के लिए डाड़ू में 1 स्पून घी ले लिया है और इसमें मैंने मिलाई है हींग। तो हम हींग का तड़का लगाएंगे दाल में। दाल ऑलमोस्ट मेरी पक चुकी है। तो ये तैयार हो चुकी है ठटवानी। ऑलमोस्ट का वैसे कलर ब्लैक आता है, लेकिन अभी आज ज़्यादा ब्लैक आया नहीं, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो लोग बनाते थे इसको, तो वो लोग सारे जो पहले उसे प्रोसेस करते थे उबालने के लिए, उस वक्त भी लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल करते थे। तो अभी ये इतना ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोहे की कढ़ाई में बना के थोड़ा सा ब्लैक कलर आया हुआ है। तो कैसा लगा आपको आज ये? क्योंकि मुझे मालूम है टेस्टी हो रही होगी, क्योंकि मैंने उसी तरीके से बनाई है जिस तरीके से मेरी माँ बनाती है, तो उसमें मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको ये आज का मेरा फूड सेशन, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।